हाँ सर जी, अजय जी नमस्कार। अजय नमस्कार सर। जी, आपका जो इंटरव्यू था तो जी किसके सर, बोर्ड में था वो? सर वो सीमा मैडम के बोर्ड में था। अच्छा, कितने लोग थे उस बोर्ड में? तीन लोग थे। नहीं, मतलब सीमा मैडम को मिला करके दो और? उनको मिला करके तीन। अच्छा, उनको मिला के कितनी देर चला? 20 मिनट तक चला। 20 मिनट चला। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे बता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जी पहला क्वेश्चन तो पूछा था कि स्मार्ट सिटीज क्या हैं, फिर पूछा था कि तो आईटी स्मार्ट और कम। स्मार्ट सिटी क्या है, इस पे क्या मतलब क्रॉस क्वेश्चन चलता रहा था, आपका रिप्लाई तो आया होगा ना? नहीं, इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं चला था। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटीज जो है उसको आप एक लाइन में डिफाइन करके बताइए, जिसमें क्या बोलते हैं 7 या 8 वर्ड हो, तो वो हमने दी बताया था। उसके बाद में फिर ये पूछा था कि आईटी और कंप्यूटर साइंस में क्या अंतर होता है। अच्छा, चूंकि आपका बैकग्राउंड है ना, इसलिए है ना। जी, बिल्कुल। ओके, और फिर पूछा था कि आईटी और आईटीईएस जो है इसको आप सुशासन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आईटी और आईटीईएस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को आप किस तरह से सुशासन ओके। अच्छा में उपयोग ला सकते हैं। अच्छा तो इसका रिप्लाई कितनी देर में हो गया? इसका रिप्लाई हमने दे दिया था, 1 मिनट लगा होगा देने के लिए, है तो कोई ना क्रॉस क्वेश्चन? जी। इस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ था। फिर पूछा गया था कि ये जो कौशल संवर्धन, मैंने क्या बोलते हैं उसमें एक उत्तर दिया था, तो उन्होंने बोला था कि इसको अपन कौशल संवर्धन जो है उसमें किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, पढ़ाने में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है आईटी आईटीएस को। ठीक अच्छा है, चूंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आईटी बूम आता है, हाँ, आई पहले टी आईटी इंडस्ट्रीज के लोगों को पहले बहुत क्या बोलते हैं रिक्रूट किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये बूम खत्म होता है तो आईटी इंडस्ट्री के लोगों को फिर वो निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस संदर्भ में आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये मेरा अंतिम प्रश्न पूछा गया था मुझसे। अच्छा, तो जी, और हॉबीज और वगैरह से कुछ? नहीं, हॉबीज जो थी मेरी वो देखी थी और उन्होंने बस तारीफ की थी कि ये हॉबी आपकी बहुत अच्छी क्या थी हॉबीज है ना। आपकी? मेरी हॉबी थी ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण। भ्रमण करना। ओके, तो जी, सभी मेंबर के क्वेश्चन थे या सीमा मैडम ही कुल? नहीं, सभी सभी जो मेंबर्स हैं उनके क्वेश्चन थे, कोऑपरेटिव क्या बिहेवियर उनका, कोऑपरेटिव या? ओके, बिहेवियर है ना। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे कुछ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम क्या उत्तर दे रहे हैं, तो उसमें वो कुछ एक्सप्रेशन देते, लेकिन काफी कोऑपरेटिव बिहेवियर था उनका। अच्छा, जो जैसे अभी जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, वो ऐसा कुछ अब आप बता पाओगे? हाँ, बिल्कुल। मेरा पहला तो ये है कि आप जैसे हो वैसे ही आप बर्ताव कीजिए, बहुत ठीक अच्छा है। माहौल रहता है, क्योंकि वो है, वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, आपके नॉलेज को जज कर रहे हैं, तो आप जैसे हैं वैसे जाइए, बनावटी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीच में किसी प्रश्न को सॉरी बोलते हैं, इस पर कहते हैं, तो उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी सर, ओके, चलिए, जी थैंक यू। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर।